ये मेरा पानी है, ये ले ले आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हम पहुंच चुके शहर के नई बाजार में। यहाँ पर पानी का टैंकर आया हुआ था, लोग पानी के लिए कैसे लड़ रहे हैं, आइए पूछते हैं। आप कुछ कहना चाहें? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि गंदा पानी हम पी नहीं सकते, बिन पानी हम जी नहीं सकते। धरती भूगर्भ का पानी समाप्त हो चुका है, किसानों की फसलें चौपट हो गई है। ये कैसा समाज तनाव पूर्ण है और मनुष्य ही पानी को तरसे तो कलयुग है घोर। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान हो? साहब का फोन आया था, कह रहे थे अपने घर वालों को भेज कर तेरी रिपोर्ट ले जाना। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पेशेंट शिवानी की माँ हूँ, आपने मुझे बुलाया था। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी को थर्ड स्टेज स्टमक कैंसर है। क्या भगवान, ऐसा क्या किया जो ये दिन देखना पड़ा? नमस्कार सभी साथ मुझे है चिंता के बादल, आइए पूछते डॉक्टर साहब से। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को पेट से गंभीर बीमारियाँ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल लोग भूमि में रासायनिक पदार्थ मिला रहे हैं और उसी भूमि में फल सब्जियाँ उगाते हैं जिससे वह दूषित होती है और उसी दूषित फल सब्जियों खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। तो सुना आपने बीमारी कितना गंभीर रूप ले चुकी है, इसी के चलते सरकार ने इन सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। रासायनिक पदार्थ से हो रही है धरती लाचार और कैंसर जैसी बीमारी से लोग हो रहे हैं। अस्पतालों में लग रही है लोगों की कतार, डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे इसका उपचार। अब तो कैंसर भी फैल रहा है, जैसे मोमन न्यू माना, अब इस दुनिया को कैसे बचाएगा तू? हाँ बिल्कुल, बताओ कार्य। सर ये रूम है ना, आप इसी स्कूल से? नहीं सर, गवर्नमेंट। इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे वाले रूम में रखते हैं। सुख लेते दुख लेते अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, ये कैसा विधि का विधान है? नहीं, ये विधि का विधान नहीं है। प्रकृति ने तो हमें साफ पानी, साफ वायु और पावन धरती दी है, वो तो अरे इतना सारा कूड़ा जमा हो गया इस कूड़े का क्या करूं? अरे करना क्या है, इस कूड़े को यही की यही आग लगा दो, इससे तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा समय भी बच जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। हेलो, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम ऐसे कूड़ा जलाओगी तो होगा प्रदूषण, और वो प्रदूषण कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे अंदर और हमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और कूड़े को कभी नहीं जलाऊंगी। अरे कितने दिन हो गए, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी गाड़ी धो लूँ, मोटर ऑन करके आती हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर मैं ऐसे इस पाइप से पानी को अपनी गाड़ी को धोऊंगी तो कितना पानी व्यर्थ होगा। अरे